आज हम कार्य अनुभव में सीखेंगे नैसर्गिक आपदा। नैसर्गिक आपदा मतलब निसर्ग में जब बदल होता है और इस वजह से जो संकट आता है उसे नैसर्गिक आपदा कहते हैं, जैसे कि बाढ़, सुनामी, भूकंप आदि को नैसर्गिक आपदा कहते हैं। आज हम उसमें से ही चार नैसर्गिक आपदा सीखेंगे। सुनामी। सुनामी मतलब पानी की ऊंची और जोरों की लहरें, उससे बहुत नुकसान होता है। घर, गाड़ियाँ और बंगले पानी में डूब जाती है। कुछ लोग सुनामी के वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। भूकंप। भूकंप आने से पूरी जमीन हिलने लगती है। उसके परिणाम बहुत अलग होते हैं। उससे इमारत हिलने लगती है। इसलिए जब भूकंप आता है तो इमारत में ना रहकर किसी खुले मैदान में जाकर खड़े रहे या किसी भी कुर्सी या टेबल के नीचे बैठे, इससे हमारी जान बच सकती है। बाढ़। बाढ़ एक नैसर्गिक आपदा है। जब 2 से 3 दिन बारिश होती है तब नदी, नालों और समुन्द्र में से पानी बाहर बहने लगता है। वो पानी शहर या गांव में भर जाता है। उसमें गाड़ियां तैरने लगती है। जब बाढ़ आता है तब घर में सब तहस नहस हो जाता है। चक्रवात। चक्रवात घूमती हुई वायु राशि का नाम है। उष्णवालिक चक्रवात ये वायु संगठन या तूफान है जो उष्णकटिबंध में तीव्र और अन्य स्थानों पर साधारण होता है। उसका वेग 20 से लेकर 30 मील प्रति घंटे का वेग से सिरपल रूप से चलती है। थैंक यू।